स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज्ञान, और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धवन। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं न्यूजीलैंड वुमेन्स वर्सेज इंग्लैंड वुमेन्स के बीच खेले गए मैच के बारे में। मैच का पूरा एनालिसिस करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिकेट ज्ञान। तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप मेरे सोशल मीडिया साइट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो पर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड वुमेन्स ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया, और इंग्लैंड टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड टीम तरफ से ओपनिंग करने आए वुमेन, और वॉट ने एक छोटी सी साझेदारी लेकिन अच्छी साझेदारी शुरुआत करी। वॉट ने 35 पर स्कोर किया, लेकिन वुमेन 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जैस खर ने उन्हें बोल्ड कर दिया, और वॉट को विकेट रो ने ली। तो जो शुरुआत तो दोनों ही ओपनर दे रहे थे, लेकिन उसमें वुमेन की विकेट जो जल्दी चलेगी, उसके बाद चाहे सीवर हो चाहे ए जोन्स हो, दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी चले गए। सीवर 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर और जोन्स 0 पर चले गए। उसके बाद डंकी बाउचर ने कुछ हद तक वो साथ देने की कोशिश की, 20 रन का एक छोटी पारी, लेकिन कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड टीम को संभालने की इंग्लैंड टीम को संभालने की कोशिश कीजिए कि माफ़ कीजिएगा इंग्लैंड टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी रही और 127 रन का टोटल स्कोर इंग्लैंड टीम बना पाई 7 विकेट के नुकसान पे। न्यूजीलैंड टीम ने जो बॉलिंग का फैसला लिया बहुत हद तक सही साबित हुआ दिखा उनकी तरफ से। तो गेंदबाजी में भी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से रो ने 2 विकेट निकाली, डिवाइन ने 2 विकेट निकाली, और कास्टर्प ने 2 विकेट निकाली, और 1 विकेट जैसा कर को मिली। तो इस तरह से 7 विकेट न्यूजीलैंड के गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफ़ी सॉलिड रहा। बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो सोफी डिवाइन जो हमेशा की तरह अच्छा खेली, 50 का स्कोर किया। सुजी बैट जल्दी आउट हो गई, जल्दी उनकी विकेट चली गई, लेकिन एक हद तक जब देखा जाए कि दोनों ही टीमों में एक वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है। न्यूजीलैंड की टीम में डिवाइन है, तो इंग्लैंड की टीम में आपका सीवर है, और दोनों ही एक उमदा किस्म का ऑलराउंडर है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों ही हर एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज सीवर चली नहीं, और डिवाइन ने 2 विकेट निकाली, 50 रन का स्कोर किया। उसके बाद से शटरबैट और मैडी ग्रीन ने कुछ हद तक 10 और 20 रन की स्कोर खेली, और ये रन इतने ही चाहिए थे। 128 रन का स्कोर न्यूजीलैंड टीम ने 6 विकेट गंवा के 128 रन का लक्ष्य हासिल किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप सोशल मीडिया साइट पर भी जाके और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आज हाजिर होऊंगा। जब तक मैं खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।